Yes, hello friends. Arya. Yes, today our method to prepared alcohol is Grignard reaction. Okay. What is Grignard reagent? This is alkyl halide, RX. When it reaction on reaction with magnesium in presence of ether medium. Yes, magnesium will enter between R and X, R, M, G, X. Yes, alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent. Achha, chalo, Grignard reaction, carbonyl compound ki Grignard reaction ke saath reaction karne ke baad, jo milti hai product. वो अल्कोहल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द जनरल इक्वेशन सी डबल ओ. दिस कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कंपाउंड या कुछ भी एक्स एंड वाई चेंज हो जाएगा तो नाम बदल जाएगा. चलो एच सी एच ओ दैट इज फॉर्मल्डिहाइड. इसको इस फॉर्म में लिखे तो एच सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड एच. Means in case of formaldehyde, both X and Y is equal to hydrogen. CH3CHO is the acetaldehyde. इसको इस form में लिखे तो C double O single bond CH3 single bond H. इनको tally करो इनके साथ तो X will be methyl group and Y is equal to H. CH3COCH3, this is the acetone. इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो C double O, ये CH3 और CH3 या X and Y दोनों मिथाइल ग्रुप है. तो इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बोथ X and Y इज इक्वल हाइड्रोजन. इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड X इज इक्वल CH3, Y इज इक्वल H. In case of acetone, both X and Y is equal to methyl group. Okay. Now, first of all, we'll try to understand the mechanism of general reaction. X and Y. Yeah, C double O mein one sigma bond hai, second one is pi bond. On reaction with Grignard reagent, ये रिएक्शन कैसे, ये दोनों X एंड Y ऊपर नीचे ले लो X एंड Y और RMGX इनके साथ रिएक्शन करेगा. ये दिस इज सिग्मा, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड विल ब्रेक ड्यूरिंग द रिएक्शन. एज ए रिजल्ट वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज. And to satisfy the tetravalency property of carbon and divalency property of oxygen, yes, Grignard reagent will divide it in two parts. First part is alkyl group, second part is MgX. Alkyl group will directly attach to carbon and MgX will directly attach to oxygen. So our product will be R single bond CX and Y will remain as it is. OMGX, it is known as an intermediate compound. Okay, yes, inki water ke sath reaction hogi, hydrolysis, the reaction during which water will divide it into parts, bond remain in water will break, usko hydrolysis kaha jata hai. To inka water ke sath reaction hoga, ye वैसे ही लिख दो R सिंगल बॉन्ड X एंड Y O M G X एंड H टू मीन्स H सिंगल बॉन्ड हो जी. यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा M G X एंड O H रिमूव हो जाएगा. दिस हाइड्रोजन विल डायरेक्टली एटेड टू द ऑक्सीजन. यस ओ एच में कन्वर्ट R X एंड Y ऐसे ही रहते हैं. देखो ये R कहां से आया, ग्रिगनार्ड का R है. तो X एंड Y ऐसे ही रहेंगे. तो यहां इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बोथ हाइड्रोजन विल रिमेन एज इट इज. इन एसिटाल्डिहाइड
बोथ सी ए थ्री एंड एच विल रिमेन एज इट, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है. इन केस ऑफ एसीटोन बोथ मिथाइल ग्रुप विल रिमेन एज इट इज. यस आर एम जी एक्स मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एक्स की जगह आयोडाइड लिया है, आर की जगह मिथाइल लिया है. एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर जनरल इक्वेशन, आर विल डायरेक्टली एड टू द कार्बन. तो ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर एक्स एंड वाई वर्टिकल लिख दिए, तो यहाँ दो हाइड्रोजन वर्टिकल कर दो, या मिथाइल और हाइड्रोजन वर्टिकल कर दो, या दो मिथाइल वर्टिकल कर दो. अल्किल ग्रुप ग्रिगनार रिएजेंट का अल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो सी ए थ्री यहां लग जाएगा, सी ए थ्री यहां लग जाएगा, सी ए थ्री यहां लग जाएगा. Then OMGI, final on hydrolysis. Okay, hydrolysis करेंगे तो MgxOH निकल जाएगा, H will directly to OH. तो यहां H और OH ये निकल जाएगा, यहां H और OH ये निकल जाएगा, यहाँ H और OH ये निकल जाएगा, यहाँ H और OH ये निकल जाएगा. तो फाइनली CH3CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. CH3CH CH3 and OH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. CH3CH OH CH3 and CH3C CH3 CH3 single bond OH, this is tertiary alcohol. You mind well, ये पूछा जाता है. Yes, with Grignard reagent. Yes, formaldehyde will gives primary alcohol देगा, acetaldehyde secondary alcohol देगा, और acetone tertiary alcohol देगा. एक समझ लो, फॉर्मल्डिहाइड में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां अल्किल ग्रुप एक एंटर हो गया है. कहां से आया? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का. इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, तो प्रोडक्ट में दो मिथाइल ग्रुप होंगे, एक अपना एसिटाल्डिहाइड का, दूसरा ग्रिगनार्ड का. इसमें एसीटोन में कार्बन इज बॉन्डेड विद टू मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा इसमें से आएगा, तो थ्री मिथाइल ग्रुप वाली प्रोडक्ट मिलेगी. तो समझो जरा, ग्रिगना ड्यूरिंग द ग्रिगना रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल विथ ग्रिगना रिएजेंट विल गिव्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव्स अल्कोहलिक प्रोडक्ट. दिस रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स. वन मोर थिंग, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इसमें कार्बन कितना है? फॉर्मल्डिहाइड में वन, ये अल्कोहल में इथेनॉल में कार्बन कितना है? टू. यहां कितना कार्बन? सी एच थ्री सी एच ओ, तो इसमें दो टू कार्बन है, तो ये अल्कोहल में थ्री कार्बन है. यहां वन टू थ्री कार्बन है एसीटोन में, तो ये अल्कोहल में वन टू थ्री और फोर कार्बन है. एक चीज और समझ लो, ड्यूरिंग द ग्रिगना रिएजेंट रिएक्शन ये कार्बन हरमेश इंक्रीज होता है. यस, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएक्टेंट एंड फाइनली इट विल गिव्स अल्कोहल. अल्कोहल ऑलवेज पजेस मोर कार्बन कंपेयर्ड टू यस कार्बोनिल कंपाउंड. ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड विल गिव्स इथेनॉल, इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. Acetaldehyde will give propanol, propanol is a secondary alcohol, or acetone will give tosubenol alcohol. It is okay. 2-methyl propanol. Okay, ये एक X and Y तो same रहता है, इसको tally करो, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता है. Okay, thank you very much. Yes, next time reduction लेंगे.